नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ता वर्ग के आंकड़े को देखेंगे, क्योंकि ता वर्ग जो है वो दो तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा ता हमें यूज करना चाहिए, ताकि हमें लिखने पढ़ने और बनाने में सब तरीके से आसानी हो और आसानी से हम उसे लिख सकें और पढ़ भी सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरु जी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे लिंक से ग्रुप से जुड़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग ता वर्ग देखेंगे, इसको कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं ताप, क्या ले लिया हमने ताप। ठीक है, यहाँ पे जब ताप लेंगे यहाँ पे जो हम ता है वो दाहिने तरफ वाला ता का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम ये वाला ता यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें पा घुमाने में बहुत आसानी से हो जाता है और आसानी से जुड़ जाता है, दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत आसानी से घूम जाता है। अगर आप यहीं पे देखिए बाएं तरफ वाला ता लेते, ठीक है, ये ता लेते और ये पा घुमाते, यहाँ पे घुमाने में यहाँ जोड़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और जो है आपको पढ़ने में भी देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, जो हमारा बेसिक शॉर्ट हैंड कोर्स वाला है उस वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा वीडियो आपको एक एक क्रम वाइज मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप प्लेलिस्ट में गए एक ही दिन में सारा वीडियो देख लेंगे और आप सोचे एक ही दिन में हम मास्टर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले हम ता वर्ग आपको यहाँ बता देते हैं। ता दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो ये भी ता होता है, ये भी ता होता है, जब इसको डार्क हल्का करके काट देते हैं तो था हो जाता है। ठीक है, डार्क करते हैं तो दा हो जाता है और जब डार्क करके काट देते हैं तो क्या हो जाता है, ये धा हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका सारा कुछ। यहाँ पे देखिए हमने अगला शब्द लिया दक, क्या ले लिया दक। अब यहाँ पे देखिए अगर हम दाएं तरफ वाला दा लेंगे तो हमें का जोड़ने में बहुत आसानी होगी, दक बहुत आसानी से हम उसको लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अगला लेते हैं धर, क्या ले लिया हमने धर। ठीक है, धर यहाँ पे धर ले लिए तो देखिए ये हम धा हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे वाला यहाँ पे रा भी जोड़ सकते हैं, धर के साथ दोनों रा आप आसानी से जोड़ सकते हैं, इसके साथ ये भी और ये 20 डिग्री वाला भी, 30 डिग्री वाला रा भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काट के धर बनेगा, तो दोनों तरीका आसान पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अगला व्यंजन जो आपको जोड़ना होगा वो भी जोड़ने में आसानी रहेगा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इन सबको आपको बार बार एक्सरसाइज करना है, यानी अभ्यास करना है इसका, ताकि आपकी हैबिट बन जाए और आपके आपको याद हो जाए वर्ड और आदत सेट हो जाए। यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला वर्ड लेते हैं हम लोग तर। ठीक है, तर लेके देख लेते हैं, वैसे धर लिया तो तर वही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले ता का प्रयोग करेंगे हम लोग, दाहिने तरफ वाले ता का ता, और यहाँ पे देखिए रा ऐसे भी जुड़ सकता है और ये आसानी से भी जुड़ सकता है, दोनों तार जुड़ सकता है, यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, दोनों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और दोनों यहाँ पे सही भी है। अगला लेते हैं हम लोग तल, तल ले लिए जैसे ता और ला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ता लिए और ये ला आसानी से जुड़ जाएगा अपोजिट में। ठीक है, आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, और अगर दूसरा वाला जोड़े ता हो गया, ठीक है, तभी आपको ला जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा, तो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इसी तल का प्रयोग करना है, इस वाले ला का। ठीक है, नेक्स्ट अगला कुछ लेते हैं हम लोग शब्द तच। जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको आप हमारे ज्वाइन बटन में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें मिलेगा आपको। तच देखिए यहाँ पे तच के लिए, क्योंकि अब चा वाला जो हमारा आंकड़ा है वो नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाएं तरफ वाला ता का प्रयोग करेंगे, ता और ये चा, देखिए आसानी से जुड़ गया। अगर आप देखो यहीं पे ये वाला ता का यूज करते फिर ये चा, यहाँ पे हाथ रुक जाता है आपका। ठीक है, ये वाला अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको ता और ये चा, चा नीचे की तरफ आता है ऊपर से, यहाँ पे ये वाला तच सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे तर। तर तो हमने देख चुके हैं, तस देख लेते हैं, ता और सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तस के लिए इधर वाले सा का प्रयोग करेंगे हम, ता का, ता और यहाँ पे देखिए सा जोड़ दिए। ठीक, वैसे हम लोग ता का प्रयोग करेंगे,
ता हा, जितने भी हा हो गया, या हो गया, वा हो गया, जितने भी ये वर्ड जुड़ते हैं ये इसी ता के साथ, बाएं वाले ता के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत आसानी से जुड़ गया। आप ये अगर इस वाले ता का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आगे इसको सा भी पढ़ा जाएगा, आगे हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे आप इस वाले ता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक जो भी है हम यहाँ पे और कंफ्यूजन आपका दूर कर लेते हैं। देखिए जैसे आपका है ताओ, अब देखिए यहाँ पे अगर आप बाएं तरफ वाला लिखेंगे ता और यहाँ पे देखिए वा, आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, बिना कलम रुके हुए आप बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग तय, ता, यहीं से देखिए या वापस आ गया। ठीक है, यहाँ से तय आसानी से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको यही प्रैक्टिस करना है कि कौन से ता वर्ग का प्रयोग किस अगले वाले व्यंजन के साथ, कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा। तो आपको अपने मन से भी बहुत सारे वर्डों को लेना है और यहाँ पे अभ्यास करना है। हम लोग और अभ्यास में देख लेते हैं, यहाँ पे दो चार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभ्यास में, अगले वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे, अभ्यास 10 और 11। कल वाले वीडियो में हमने अभ्यास 9 और 10 को देखा था, यहाँ पे सॉरी अभ्यास 8 और 9 को देखा था। आई होप कि आपने उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा और उसको आपने याद कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने बुक नहीं लिया तो प्लीज बुक ले लीजिए, दुकानें खुल रही हैं, दुकान पे मिल रही है, नहीं तो अपने दोस्तों से भी अगर किसी के पास है तो ले लीजिए। अगर वहां से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ज्यादा महंगी कोई बुक नहीं है, 70-80 रुपए की बुक मिल जाती है। यहाँ पे अगला वर्ड ले लेते हैं हम तट, ता और ये टा। ठीक है, यहाँ पे तट, तट दोनों तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि नीचे ता जोड़ना है, देखिए ता और ये टा, दोनों तरीके से बहुत आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है, तट, तो यहाँ पे दोनों सही होगा। ठीक है, तत और लेते हैं हम लोग तत, ता ता। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप एक ता ये करें एक ता ये करें, ये भी लिखा जाएगा लेकिन अच्छा नहीं रहेगा, इसमें आपका हाथ रुक जाएगा। यहाँ पे अगर ये आप जो ता यूज करेंगे, दोनों एक ही साइड वाला यूज करेंगे तो आपका दोनों सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे दम, क्या ले लिया अगला शब्द हमारा दम। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर वाला दा लिए मा जुड़ गया आसानी से, इधर वाला भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे दोनों सही रहेगा। ठीक है, जिसको आपको आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए, आपका हाथ जिस पे सेट हो जाए वही आप यूज करेंगे। यहाँ पे दोनों कोई कोई वर्ड जो है वो दोनों आसानी से लिखा जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको लिखना है मत, मा और ता, अभी तक तो हम सारे आंकड़े जोड़ रहे थे जो पहले आ रहे थे, यहाँ पे देखिए मा और ये ता, मत, यहाँ पे देखिए मा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ता बहुत आसानी से आप जोड़ पाएंगे, वैसे तो दोनों ता यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जोड़ने पे थोड़ा सा ज्वाइंट इसका पता नहीं चलता, कन्फ्यूजन होती है, अगर मात्रा लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी यहाँ पे, तो ये वाला आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट और ले लेते हैं चत, पहले वाले में हम लोगों ने देखा था ता के बाद क्या आंकड़े जोड़ेंगे, और इस वाले में देखेंगे कि पहला जो व्यंजन आ रहा है उसके बाद अगर ता आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, चत, यहाँ पे पहले देखिए चा, अब यहाँ पे दाहिने तरफ वाला ता जोड़ेंगे, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कत, का और ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे का हो गया, अब बाएं तरफ वाला ता जोड़ेंगे, बहुत आसानी से जुड़ेगा और इसी को आपको अभ्यास करना है। ऐसे बहुत सारे वर्डों को आपको लेना है, यत अपने मन से भी बोलना है और उसको अभ्यास करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी आप बोलोगे उसी को आपको लेना है। ठीक है, जैसे देखिए या और यहाँ पे देखिए ये वाला ता, यत, रत, रा, ता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप ये रा लिखते, ठीक है, फिर ये ता लिखते, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत आसानी से बन रहा है। ठीक है, तो आप खुद बना के देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सा हमें आसान लग रहा है। जैसे हमको लिखना है हत, ठीक है, यहाँ पे देखिए हा स्टार्ट किए, ता, बिल्कुल आसानी से बनेगा। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतने आपकी नींव मजबूत होगी, उतने अच्छे से आप लिख पाएंगे। ठीक है, अगला वर्ड ले लेते हैं हम लोग तच, ता और ये चा। देखिए यहाँ पे कह लिया हमने तच, ठीक है, यहाँ पे ता लिए और यहाँ पे देखिए ता चा जोड़ दिए, तच। ठीक, इस तरह से भी ता आपको जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से जोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको आपको यूज नहीं करना है,
और ना ही जुड़ने में आसानी पड़ रहा है। तो यही चीजें आपको इसमें ध्यान रखना था। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि कौन से ताप वर्ग किसके साथ अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अभ्यास 10 और 11 को देखेंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। अभ्यास 10 जो है वो हिंदी में अनुवाद करना है, अभ्यास 11 जो है वो संकेत लिपि में लिखना है। ठीक है, तो वो वीडियो हमारा कल का होगा। आज वाले वीडियो में फिलहाल हम लोग तावर के आंकड़े को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।